हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। और मैं अभी सीढ़ी की सफाई करने जा रही हूँ। बहुत ही मेसी मेसी हो गया है। चारों तरफ जो है ज़्यादातर मकड़ी जाल लगा देते हैं, तो आज मैं सफाई करूँगी। और हाँ, मेरी कल तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज थोड़ा अच्छी हुई हूँ, तो सोचती कि सफाई आज मैं कर लेती हूँ और थोड़ा सा ब्लॉग भी जो है शूट कर लेती हूँ। तो चलिए हम बातें ना करते हुए ब्लॉग बना लेते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी सीढ़ी की सफाई कर रही हूँ और यहाँ जो दरवाज़ा है इसके पीछे बहुत सारे जाले लग जाते हैं। रोज़ इसको जो है झाड़ू देने के समय में हम उसको झाड़ देते हैं, और सीढ़ी में रोज़ हम झाड़ू नहीं देते और घर में देने जाते हैं तभी झाड़ देते हैं और ऊपर वाले। और सीढ़ी जो है इसका फिनिशिंग नहीं हुआ है तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर नीचे करते हैं तो डस्ट हो ही जाता है। और फिनिशिंग इसका जो है अभी नहीं हुआ है, इसलिए तो सीढ़ी जो है नीचे और ऊपर जो है दोनों की मैं सफाई कर लूँगी। और नीचे जो है हल्का फुल्का सामान भी रहता है, जो मेरा जो चापाकल है तो वहाँ पे मैं नहाती हूँ, तो कभी कभी जो क्रीम वगैरह है मैं रख देती हूँ वहाँ पे, साबुन, तो सामान भी हो जाते हैं। तो मैं नीचे जो है सीढ़ी की सफाई कर लूँगी। और अभी उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ गांव में, हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत आजकल हवा भी है तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, और मेरी तबीयत जो है वो भी अभी ठीक नहीं हुए हैं लेकिन कल से बेहतर है, तो सोची चलो सफाई कर लेते हैं। सफाई गंदे हो चुके थे घर और जाले भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं मकड़े, तो रोज़ तो दीपावली और छठ की तरह हम झाड़ नहीं सकते, उतना टाइम नहीं होता है क्योंकि घर का जो और भी काम होते हैं और खाना वगैरह करते करते वो सारा टाइम जो है बीत जाती है, तो मैं झाड़ू यहाँ पर लगा लूँगी। अभी दोपहर के टाइम थे तो मैंने दोबारा झाड़ू लगा ली है क्योंकि बाहर से जो बच्चे लोग आते हैं तो इसमें डस्ट जो है साथ आ जाते हैं, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और घर में भी लगा लूँगी। थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने के बाद जो है मकड़े का जाला वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, और फिर जाके मैं जो है टेबल वगैरह जो है झाड़ लूँगी, और ये सीढ़ी है उसका सफाई कर देती हूँ तो नीचे जो है अच्छा रहता है। और यहाँ जो है मैं मकड़े जाल लगाए हुए थे तो उसको भी मैं झाड़ू से ही हटा लेती हूँ, थोड़ा बहुत हटाती रहती हूँ तो अच्छा रहता है। और ऊपर जो है बार बार लगा देता है, पता नहीं, मेरा घर जो है 8 मंथ से मैं यहाँ रह रही हूँ और नया जो होम है सो बहुत ज़्यादा है, इसमें मकड़े जाल लगाते हैं। और मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि इस रूम में मैं ज़्यादा आती हूँ, बाल वगैरह जो है यही इसी रूम में मैं बनाती हूँ, और दूसरे वाला रूम है उसमें उतना नहीं बनाती हूँ, उसमें उतना मैं काम नहीं करती। और यहाँ जो है टेबल बहुत सारा, इसमें सामान जो है इधर उधर हो गया था, तो रोज़ हम जब कुछ साफ इधर उधर नहीं करते तो वहाँ पर एक्स्ट्रा सामान भी हो जाते हैं। और ये जो है वाइट कलर का है तो इसमें जो है छींटे जैसे दाग जैसे लग जाते हैं, तो इसको पोंछ देती हूँ अच्छी से तो अच्छा रहेगा। ये सारे सामान जो है अगर हम नहीं पोंछते तो सारे सामान गंदे हो जाते हैं, पल्प भी गंदा हो जाता है, तो इसको मैं अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। उसके बाद जो है मैं टेबल को साफ़ कर दूँगी। और ये जो है बेड उसका भी फैला हुआ है अभी चादर, तो बच्चे लोग ऐसे ही रख दिए थे और मुझे तो टाइम नहीं मिलता, लेट भी हो जाता है, खाना खाने में भी लेट हो जाता है, और इस वजह से लेट होने की वजह से तबीयत भी कभी कभी ख़राब हो जाता है।
ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैं हॉल में सोती हूँ तो इसको जो है रोज़ मैं सही नहीं कर पाती और कभी कभी कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है कभी ऐसे ही ज़रूरत होती है तो कोई सो जाते हैं, तो बेड जो है मैं यहाँ लगा के रखी हुई हूँ। और यहाँ जो है बैग रखा हुआ है, इसमें जो है किताबें रखी हुई है, तो मैं झाड़ के अच्छे से और बैग जो है एक साइड में रख लूँगी। तो ये जो है झाड़ देती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन टाइम जो है अकेले मुझे सारे घर का काम जो है करना पड़ता है, ज्वाइंट फैमिली होती है तो फिर भी अपना जो बेडरूम होता है तो खुद ही करना पड़ता है, और घर का और भी काम जो है हो जाता है, सभी मिलजुल कर कर लेते हैं तो टाइम भी मिलती है, लेकिन अपना बेडरूम तो खुद ही साफ़ करना पड़ता है। और अब मैं जो है किचन में आ गई हूँ, और ये बर्तन स्टैंड जो है इसमें बर्तन रखते हैं तो पानी का छिटका पड़ता है तो दाग जैसा लग जाता है, तो इसको मैं पोंछ देती हूँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इस पे थोड़ा सा जो है जाला भी लग जाता है ये साइड से, तो मैं इसको भी हटा दी हूँ और पोंछती हूँ तो अच्छे से। और फिर मैं जो है ये कपड़ा एक रखती हूँ और स्लैब भी पोंछ देती हूँ। यहाँ पे मैं स्लैब पे ही रोटी बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे आसानी में लगता है, अपना अपना जो जिसका बनता है जैसे आसान तरीका वही लोग अपनाते हैं, और मुझे जो है यहाँ पर आसानी होती है तो मैं यहीं पे रोटी जो है इसी पे बना लेती हूँ, चकले पे नहीं बनाती। चकले पे जब चूल्हे पे बनाती हूँ तभी बनाती हूँ, नहीं तो। और ये जो है दीवार है जहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, तो इसमें जो है बल्ब जलता है तो छोटा छोटा कीड़ा जो है इस पे आके बैठ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता, लगता है जैसे दाग कुछ का लग गया, तो उसको झाड़ दूँगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ जो है कपड़े बहुत ज़्यादा जो है मतलब रखे हुए हैं ऐसे, तो इसको मैं अच्छे से तैयार कर देती हूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब होती तो ये कर भी नहीं पाती थी, और मेरी बेटी का भी तबीयत ख़राब है वो भी कर देती थी, लेकिन तो छोटे छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कितना भी मैं इसे ठीक करूँगी लगता है ऐसे ही रहेगा, तो बाज़ार की तरह तो है कि रखने का ये एक, जब भी कोई कपड़े की ज़रूरत होती है तो हम झट से यहाँ से ले लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो मैं जो है थोड़ा बहुत ठीक कर दूँगी इसे जो इधर उधर हो गया है, और फिर तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो न्यू है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और जो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो एड एस्टेब्लिश लग जाते हैं इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, और तबीयत भी मेरी बीच में जो है ठीक नहीं थी, थोड़ा बहुत बनाए हुए थे और एक वीडियो में बनाई थी तो वो डिलीट भी हो गया था, तो क्या कर सकते हैं पता नहीं क्यों एड एस्टेब्लिश लग जाते हैं। तो आप सबसे फिर अगले वीडियो में मैं मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।